हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ड्रेस अनबॉक्स। मेरा नाम उसामा खान। जो आज प्रोडक्ट हम अनबॉक्स कर रहे हैं दैट्स बेसिकली एप्पल का प्रोडक्ट है। मैं ज़ाती तौर पे एप्पल के प्रोडक्ट्स को खास फैन नहीं हूँ, बट डेफिनेटली ये वर्थ इट था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। बेसिकली ये खाली सिर्फ टैबलेट नहीं है, इसको आप एज अ सिस्टम एज ए कंप्यूटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये प्रोडक्ट है जिसको मैं पिछले दिनों से कुछ यूज़ कर भी रहा हूँ, बट इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं विद एप्पल पेंसिल 2। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस की पैकिंग हमेशा से जैसे एप्पल वाले सिंपल पैकिंग करते हैं, स्ट्रेट पैकिंग है, बिल्कुल सफ़ेद इसकी पैकिंग है। और पहले ही हुआ करता था फ़ोन्स में, होता है कि अभी उन्होंने सामने फ्रंट पे ब्लैक कलर का बॉक्स होता है अगर ब्लैक कलर हो। अभी इसमें इन्होंने कलर जो है वो पीछे मेंशन किया हुआ है। और फोर्थ जनरेशन वाईफाई 64 GB है। और यहाँ पे कहीं कलर भी इन्होंने मेंशन किया होगा, ये है स्पेस ग्रे, अगर आप देख सकें। और इसको ओपन करते हैं। इसको आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो नीचे की तरफ ये पूरा बॉक्स स्लाइड हो जाएगा। जी, ये जी आपका आईपैड है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि इस दफ़ा इन्होंने ये जो साइडें हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई हैं, इसमें गुलाइयाँ नहीं हैं, इसमें कर्व्स नहीं हैं। जैसे इनका नया अब फ़ोन आ रहा है वैसे इनका फ़ोन ये वैसा टैबलेट है। इसको एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। साथ कुछ पेपर वर्क है डेफिनेटली, जिसके अंदर फिर कुछ स्टिकर्स वगैरह होंगे। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने कितने स्टिकर्स इकट्ठे कर चुके हैं और ये स्टिकर्स साथ भेजते क्यों हैं, बट स्टिल ये कुछ इनका पेपर वर्क है। यस, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको फिल वक्त के लिए साइड पर रख देते हैं। और ये इसका एक चार्जर है और ये साथ इसके एक डाटा केबल है जो कि चार्जिंग केबल के तौर पे भी काम करेगी। यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी टाइप सी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये लाइटनिंग केबल की जगह पे इन्होंने अभी ये वाली केबल स्टार्ट की है, विच इज़ नाइस थिंग। इसको ज़रा सा मैं आपको थोड़ा सा फिल वक्त के लिए ओपन करके दिखा देता हूँ, बाकी इसका डिटेल रिव्यू बाद में दिखाएंगे। इस दफ़ा एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने साथ ये दी है कि ये जो पावर बटन है यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। यहाँ पे आपकी पेंसिल चार्जिंग के लिए और ये आपका वॉल्यूम रॉकर है। ये आपके साइड पे एक स्पीकर और ये दूसरा स्पीकर है। ये स्पीकर्स नहीं हैं, ये सिर्फ आईपैड एयर जो बड़े साइज़ वाला है उसमें है। ये क्योंकि 10.9 inches वाला है तो इसमें दो स्पीकर ही आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, ये इसके साथ मैजिक कीबोर्ड आईपैड वालों का इंतहाई भारी है। और पर्सनली मुझे उससे वो जो टैबलेट है उस लेने से ज़्यादा इसकी खुशी हो रही थी कि जितनी इसकी भारी पैकिंग है। इस पे इन्होंने डिफरेंट एंगल्स इसके बताए हुए हैं कि आप इसको बंद करके कैसे होता है, इसको साथ अटैच करना है आपने। बड़ा अच्छी इसकी वर्किंग पोस्चर के तौर पर बड़ा अच्छा ये डिफरेंट एंगल्स में सेट हो सकता है। तो इसको ओपन करते हैं। अगेन ये तो इसकी खाली पैकिंग बीच में इन्होंने रखी हुई थी और ये साथ कुछ पेपर वर्क है। ये इसका जी कीबोर्ड है और विद ट्रैक पैड।
एंड द फीलिंग यू हैव बाय टचिंग दीज कीज, ये प्रॉपर एक फिजिकल कीबोर्ड, जैसे कि एक आपका प्रॉपर लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है वैसी फीलिंग आपको दे रहा है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे गालबन ये चार्जिंग इसकी यहाँ से होगी, और मैग्नेट ये पूरा इस जगह पे, अगर आप मैग्नेटिक पेपर फेरें तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं। और इसके साथ जो ये वाली जगह है, यहाँ से आप इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं, अगर आप इसके साथ लगा के आप चार्जिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा, अच्छा जी, ये इसको आप ऐसे लगा लिया आपने, बड़ा सिंपल लगाने का तरीका है। आप इसको पे उठाएं, यहाँ पे इसके ऊपर रखें, यहाँ से पूरा आ गया, एंड बिंगो। आप इसको काम करते वक्त अपने अपनी तरफ करके ये कर सकते हैं, यहाँ से बंद किया, ऐसे रखा, पीछे एप्पल का इसका लोगो आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं इसका एप्पल का लोगो आ रहा है। यहाँ पे आपका कैमरा स्लॉट है, कैमरा पंच है, और ये आप एक बुकलेट के तौर पे यूज़ करें। अपने पूरे लैपटॉप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो मीटिंग्स करनी है, जो आपकी डिफरेंट काम है, जो कि आपने क्लाउड पे अपने डिफरेंट फाइल्स रखी हुई हैं, आप उसको यहाँ से एक्सेस करें, और आप ऑन द गो हैं। आजकल जो वर्क फ्रॉम होम के वक्तों में ख़ास तौर पर बहुत बहुत हैंडी प्रोडक्ट है, और पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट लग रही है इसको परचेज़ करना। इसके साथ एक और चीज़ रह गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एक इनका प्रोडक्ट रह गया था, इसके बारे में मैंने डिफरेंट रिव्यूज़ देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड फ्यू एक्स्ट्रा बक्स तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड मेक। और ये इसके बाद ये जो इनकी एप्पल की पेंसिल है, ये एक नया इन्होंने जनरेशन 2 पेंसिल आई है इनकी, जिसके बारे में बड़े अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। अगेन पेपर वर्क, इसको आप थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं फिल वर्क के लिए। हर चीज़ की इनकी एक है बात है, नॉर्मली मैं कोई एप्पल का इतना खास बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इनकी काफ़ी चीज़ों में अपनी मोनोपली कायम करने की कोशिश करते हैं, बट वन थिंग शुड बी एडमिटेड कि इनकी पैकिंग और इनकी जो एक ग्रेस है वो बड़ी डिफरेंट है। ये है जी इनकी पेंसिल, इसको चार्ज करने के डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, इस दफ़ा ये सब जो पिछला था उसको यहाँ से ओपन करते थे और वो उसको आप प्रॉपर अंदर केबल कनेक्ट करके इसको चार्जिंग पे लगाते थे, बट इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि आप इसको सिंपल है, आप इसको यहाँ पे, ये आपके इसमें डिफरेंट कट आपको कट नज़र आ रहा है अगर कैमरे में, तो आप इसको यहाँ पे लगाएं, एंड बिंगो। आपको ना इसकी ये टेंशन होगी कि आपने कैरी करना है, भूल गए हैं, और यहाँ से आपकी चार्जिंग भी हर वक्त होती रहेगी। जब आप इसको ऑन करेंगे, अपने टैबलेट को ओपन करेंगे, एयरपैड को, तो आपको यहाँ पे इसकी चार्जिंग शो हो जाएगी कि जी 100% चार्ज हो गया, एंड सिंपल। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि इसमें स्क्रिबल का भी इन्होंने एक फीचर डाल दिया है कि आप जो लिखेंगे उस पर आप इसके बाद डबल टैप करते हैं या इसको डबल निब करते हैं तो वो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट में आ जाता है। आपने जो अपनी नोट्स ले रहे हैं उनको अगर आपने जो प्रॉपर फॉन्ट होता है, जैसे लैपटॉप का फॉन्ट है बाकी, तो आप उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट फॉर्म्स को फिल भी कर सकते हैं। तो विच इज़, तो ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसका मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि इसको एक बार सेटअप करके भी आपको इसका वीडियो दिखाऊँ, और इसका आफ्टर यूजेज भी वीडियो दिखाऊँ कि ये कैसा चलता है। थैंक यू सो मच।